आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको एम्स से कंटिन्यू करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर उन्हें अपनी नर्सिंग की डिग्री को एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से कंटिन्यू करना है तो उसके लिए उन्हें कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या मेल कैंडिडेट जो है वो भी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है और जो एग्जाम है वो मेन कब कंडक्ट करवाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के इनमें से बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज के वीडियो में हम इन सभी डाउट को क्लियर करेंगे और जो एम्स का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके और आपके जो भी डाउट कंफ्यूजन है वो सभी क्लियर हो सके। तो हम डिस्कस करने वाले एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, ये जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, ये एग्जाम जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि उन्हें एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है या जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री है या एमएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एग्जाम जो है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है और ये एग्जाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके आप इस एग्जाम का जो कट ऑफ क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पर ऑल इंडिया में जो भी एम्स के कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और वहां से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मतलब आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जो नर्सिंग की डिग्री है या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, इसका मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के डाउट ये है कि मतलब ये जो एग्जाम है वो जॉब के लिए एग्जाम है या फिर कॉलेज के लिए एग्जाम है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है उस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करके अगर आप में से जो भी स्टूडेंट जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है और अब वो सोच रहे हैं कि नर्सिंग करियर कंटिन्यू किया जाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो भी कॉलेजेस हैं उनसे अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो ये जो है वो एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो इस एग्जाम का जो एग्जाम है उसमें जब आपके मार्क्स उतने आ जाएंगे तो उसके बाद आप जो एम्स के जो भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं और वहां से अपनी जो भी बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री है या फिर जो एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो भी डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी क्लास 12th कंप्लीट होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनकी बायोलॉजी जो है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में तो वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करके जो एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो चार सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से, ठीक है। तो मेनली जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मेनली चार सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 या 15 जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उससे पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एग्जाम का है वो ये है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग जो है उसे कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जाम जो है वो एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग को कंसिडर किया जाता है तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में ये एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 2023 के लिए जो एग्जाम है वो जून में कंडक्ट करवाया जा चुका है और ये जो एग्जाम है वो हर साल जून मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है तो आने वाली साल यानी 2024 में भी ये एग्जाम जो है वो जून मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी 2024 तक रिलीज हो जाएगा। तो आप इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम में जब आप पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप इस एग्जाम की जो कट ऑफ क्राइटेरिया है उसको क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप एम्स दिल्ली और बाकी जो एम्स के कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन कंटिन्यू कर सकते हो और उन कॉलेजेस से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री, जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री या फिर अगर जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एमएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम जो है वो अगली साल 2024 में जून में कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपके पास पूरे एक साल का टाइम है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको मतलब अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको एम्स से कंटिन्यू करना है तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उस पर अच्छी पकड़ बनाएं क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उन्हीं से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।